नमस्कार दोस्तों, देश में रोजाना सैकड़ों विवाह होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे विवाह भी होते हैं जो समाज और देश में एक अमिट छाप छोड़ जाते हैं, भारतीय संस्कृति को एक सहेज जाते हैं। ऐसा ही कुछ विवाह दिल्ली के सतलोक आश्रम मुंडका में हुआ है, जहां पर पढ़ने वाले हायर एजुकेटेड लोगों ने बहुत ही सहज और सादगी से बहुत ही सिंपल वे में विवाह करके दहेज लोभियों के मुंह पर एक तमाचा मारा है। तो आइए जानते हैं उनके विचार कि किस तरह से उन्होंने इस विवाह को एक सादगीपूर्ण तरीके से संपन्न करवाया है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आपका क्या नाम है और आप कहां से आए हो? देखो, मेरा नाम अभिषेक चौधरी है और मैं यहाँ बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मैं जो है जर्मनी में पढ़ाई करता हूँ। अच्छा सर, क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? मैं जो है पीएचडी कर रहा हूँ। मैंने पीएचडी करी है बेंगलोर से, टीआईएफआर से, और मैं अब पोस्ट डॉक करने के लिए जर्मनी गया हुआ हूँ और अब मैं रमैनी के लिए आया हूँ। सर, जैसा कि आप इतने हायर एजुकेटेड पर्सन हैं और आपने बहुत ही साधारण तरीके से यहाँ पर शादी की है, न यहाँ पर कोई डीजे है, न यहाँ पर कोई डेकोरेशन है, न ही यहाँ पर कोई लॉन्ज या बैंकेट हॉल बुक किया है, बहुत ही साधारण तरीके से आपने शादी की है। जबकि जितने पैसे वाले लोग हैं वो ये सोचते हैं कि बहुत धूमधाम से धमाके से हमारी शादी हो, लेकिन इसके उलट आपने साधारण तरीके से शादी की है। तो ये विचार प्रेरणा आप में कहाँ से आई? जब मैं पहले गुरुजी से नहीं जुड़ा हुआ था। आपके गुरुजी कौन है? मेरे गुरुजी हैं संत रामपाल जी महाराज, जो तत्वदर्शी संत हैं। तो जब मैं गुरुजी से नहीं जुड़ा हुआ था तो मेरे अंदर भी इसी तरीके की विचार थे, मेरी वो ड्रीम था कि मैं बहुत अच्छी शादी करूं, उसमें बहुत ज़्यादा दहेज लूं इस तरीके से। बट जब मैं गुरुजी से जुड़ा, जब मैंने गुरुजी की शिक्षाओं को देखा, उनके सत्संगों को सुना, उनके जो प्रोग्राम है उनको अटेंड किया, तो मुझे और उनकी एक पुस्तक है जीने की राह, जब मैंने उसे बड़ी बारीकी से पढ़ा तो मुझे प्रेरणा हुई कि हमें एक जो जीवन है हमें एक सिंपल जीवन जीना चाहिए। तो उस सिंपल जीवन में जो जीवन का पार्ट है, एक जो शादी है, एक विवाह है, एक संस्कार होता है, तो इसको भी एक बड़े सिंपल तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी करवाते हैं। उनका उद्देश्य है कि भारत को दहेज मुक्त भारत बनाना। तो उसी शिक्षा से प्रेरणा लेके हम ये चीज़ें कर रहे हैं। सर, हमें बताइए, जिस तरह से लोगों का एक प्रश्न रहता है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो विवाह कराते हैं उसमें न तो कोई अग्नि के फेरे होते हैं, न ही कोई सात फेरों का कोई भूमिका होती है, तो ये जो विवाह होता है क्या ये कहीं प्रमाणित है? क्या इस तरह का विवाह वैवाहिक जीवन सफलता से गुजार पाते हैं? देखो, आप यदि अन्य समाज का देखोगे तो वो अग्नि को साक्षी मान के फेरे लेते हैं, पर हम जो है अग्नि को ही साक्षी नहीं मानते। हम जो जितने भी 33 करोड़ देवी देवता हैं हिंदू धर्म में, हम उन सभी की स्तुति करते हैं और परमात्मा को साक्षी मानकर वर वधु बैठ के परमात्मा को साक्षी मानकर हम पति पत्नी का होने का संकल्प लेते हैं। तो ये जो 16 मिनट की रमैणी होती है, जिसे संत रामपाल जी महाराज असुर निकंदन रमैणी बोलते हैं, यह गरीबदास जी की वाणी से लिया गया पार्ट है और इन सब में सभी देवी देवताओं की स्तुति है। हम उनको नमन करते हैं इसमें और हम अपना जो है इसके बाद व्यवहारिक जो हमारा शादी का जीवन है उसको व्यतीत। जैसा कि देखा गया है कि आज समाज में प्रत्येक जोड़े की एक ख्वाहिश रहती है और वास्तविकता में देखा भी गया है कि लोग आजकल प्री वेडिंग शूट करते हैं, जिसमें वो नई नई लोकेशन पे जाते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं। उनकी देखा देखी में कई गरीब लोग और कई जो गरीब बच्चे हैं वो भी ऐसा करने के लिए प्रेरित होते हैं क्या? और आपने इन सब के उलट बिल्कुल साधारण तरीके से शादी करी है, तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? देखो, प्री वेडिंग जो है, ये कल्चर जो है ये वेस्टर्न कल्चर है, हमारा इंडियन कल्चर नहीं है। हम अपना इंडियन कल्चर देखें प्राचीन का जो तो उसमें इस तरीके की चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको। एक साथ सादगीपूर्ण जीवन मिलेगा। जैसे मैं अब जर्मनी में रहता हूँ तो मुझे दास को पता है कि वहाँ पे देखता है कल्चर किस तरीके का है, किस तरीके की चीज़ें गंदगी फैली हुई है कि लोग बिना विवाह के भी रिलेशन में रह सकते हैं इस तरीके की। पर हमारा जो इंडियन कल्चर है इसको अनुमति नहीं देता है। पर अब लोग क्या कर रहे हैं कि इंडियन कल्चर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं वेस्टर्न कल्चर को स्वीकार करके। तो इस तरीके से, और हमारे संत रामपाल जी महाराज बहुत स्ट्रिक्ट हैं अपने भारतीय कल्चर को लेकर। वो कहते हैं कि हमारा भारतीय कल्चर जो है बहुत ज़्यादा अच्छा है, हमें यदि इसमें रहेंगे तो हमें सुख शांति मिलेगी। और एक दूसरा इफेक्ट है मनी का, मनी वेस्टेज का। तो जैसे हम प्री वेडिंग करते हैं तो उसमें जो अमीर लोग हैं वो लोग तो उनके पास तो पैसा है, वो लोग तो वहाँ पर पैसा खर्च कर उसका इसको एंजॉय के रूप में लेते हैं। बट क्या है कि जो नॉर्मल इंसान है, जो एक आम जन है, जो रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है, तो वो क्या करता है इनकी होड़ से, जैसे बॉलीवुड मूवी है, बॉलीवुड मूवी में देखते हैं, उसी तरीके को वो अपने जीवन में करना चाहते हैं, जो कि कम मनी में पॉसिबल नहीं है। तो वो क्या करते हैं, अपनी जो भी कोई प्रोग्राम करना है उसके लिए लोन लेते हैं, किसी से कर्जा लेते हैं, उस चीज़ को वो कर तो लेते हैं पर ज़िंदगी भर उस चीज़ को भुगतना पड़ता है। उसके तले आके जैसे बेटी का पिताजी हैं वो उसमें आके डूब जाते हैं, जैसे एक दहेज का है और इसमें कपल्स हैं,
तो इस तरीके का चीज़ है। ठीक है, तो जैसे अमीर लोगों द्वारा शुरू की गई कुछ कुरूतियों को गरीब लोगों पर एक तरह से वो भार बन जाती है और उनको ढोते ढोते वो कर्जे में भी चले जाते हैं। तो सर, क्या आपने इस शादी में किसी तरह की कोई दहेज की डिमांड की है? नहीं नहीं, दहेज की हमने किसी भी प्रकार की दहेज की डिमांड नहीं। हमारे गुरुजी का सख्त निर्देश है, ना तो दहेज लेना है और ना ही देना है। अच्छा सर, एक बात बताइए, चलो आपने किसी तरह के दहेज की डिमांड नहीं करी, बहुत ही सादगीपूर्ण विवाह करके समाज को अच्छा संदेश दिया है, आप अपने जैसे एजुकेटेड लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे कि वो किस तरह से शादी विवाह करें? देखो, मैं एक हायर एजुकेशन करने के लिए जर्मनी गया हूँ, मैं एक नॉर्मल इंसान उस तरीके से नहीं हूँ कि मैं अनपढ़ गवार हूँ। मैंने संत रामपाल जी महाराज की शिक्षाओं को समझा है, पढ़ा है, उनके सत्संगों को अटेम्प्ट किया है। हर चीज़ जो संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों में है वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल है। तो मैं सभी से हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि वह सभी जो भी हायर एजुकेशन है, किसी भी प्रकार के तबके के लोग हैं, वो संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों को सुने, उनकी पुस्तकों को पढ़ें और उनसे प्रेरणा लेके इसी प्रकार का विवाह करके एक समाज को एक प्रेरणा दें और एक समाज को एक एग्जाम्पल सेट करें, जिससे समाज में जो फैली कुरूतियाँ हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएं। मेरा नाम नेहा है। आप कहाँ से आए हो और क्या काम कर? मैं वैसे तो यूपी की रहने वाली हूँ, बट मैं आईआईटी गुवाहाटी से इस वक्त पीएचडी कर रही हूँ। अच्छा, हमने देखा है कि आपने यहाँ पर बहुत ही सादगी और सहजता से बिल्कुल सिंपल वे में विवाह करा है, ऐसे विवाह की प्रेरणा आज इतने एजुकेटेड पर्सन को कहाँ से मिली है प्रेरणा? देखिए, हमारे गुरु हैं संत रामपाल जी महाराज जी, उनका जो ज्ञान मैंने सत्संग द्वारा सुना, और ये एक बहुत ही प्यारी बुक है जिसका नाम जीने की राह है। इस जीने की राह बुक में सब कुछ दे रखा है कि मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य क्या है। हायर एजुकेशन इस कलयुग का एक पार्ट है, लेकिन जो तत्व ज्ञान है वो हमारा काफ़ी वर्षों से चला आ रहा है। तो हम इस वक्त क्या कर रहे हैं कि अपने तत्व ज्ञान को भूलकर सिर्फ पढ़ाई के और एजुकेशन की ओर दौड़ रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हम भारतीय संस्कृति के लोग हैं और जो हमारा तत्व ज्ञान है वो हमेशा से हमारी नींव रहा है। तो मैंने ये ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी से लिया है। देखो, जिस तरह से एक हर एक लड़की का सपना होता है कि वो बड़ी होगी, उसकी शादी होगी, बहुत वो हार श्रृंगार करेगी, बहुत दहेज लेगी, हर तरह का मेकअप करेगी, बड़े हॉल में शादी होगी, क्या इस तरह आपका भी सपना होगा? लेकिन आप अपने सपने को दरकिनार करके आपने संत रामपाल जी के बताई विधि के अनुसार सिंपल शादी करी है, तो आप क्या कहना चाहूँगी के बारे में? ये मैं यही कहना चाहूँगी कि पहले सपना मेरा था, लेकिन जो ये तत्व ज्ञान है ना, ये तत्व ज्ञान इतना मजबूत ज्ञान है कि अगर आप एक बार इस ज्ञान को समझ गए तो ये मनी वेस्ट करना, आलतू फालतू का खर्चा करना, आप बिल्कुल ही इस बात से नियुक्त हो जाएंगे। हमारा जैसा कि हम देख पाते हैं कि पूरे साल में लगभग 2000 प्लस डाउरी फ्री केसेस आते हैं हमारे भारत में, ठीक है। तो डाउरी एक बहुत ही बड़ा राक्षस है जो हमारे भारत में तो खासकर बहुत ही उसने यहाँ पे पकड़ बना ली है। आजकल बिना दहेज के कोई विवाह ही नहीं होता है। माता पिता पूरा ज़िंदगी पैसे कमाते हैं, अगर किसी पिता के पास पैसे नहीं होते वो घर गिरवी रखते हैं, बेचारे इधर उधर जाके पैसे मांगते हैं, तो वो एक पिता ही समझ सकता है कि उनको किस प्रकार कष्ट होता है ये दहेज देने में। तो ये जो दहेज है ये एक राक्षस है। संत रामपाल जी महाराज जी इस दहेज जैसे राक्षस का खात्मा करना चाहते हैं, उसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी हमें काफ़ी सत्संग सुनाते हैं। अच्छा, हमें बताइए, जैसे एक एजुकेटेड होना और आध्यात्मिक होना, इसमें कितना अंतर है? देखिए, जो एजुकेशन है वो कलयुग के हिसाब से ठीक है, एजुकेशन का जहाँ अंत होता है ना, वहाँ से आध्यात्म की स्टार्टिंग होती है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी, जैसे आपने मीराबाई के बारे में सुना होगा, मीराबाई को एक बार जहर का प्याला पिला दिया गया था, लेकिन उनको ज्ञान था, वो भक्ति किया करती थी, तो वहाँ पे साइंस फेल हो गया था, लेकिन जो तत्व ज्ञान है, उनकी जो भक्ति है, उसने वहाँ काम किया था। अच्छा, आप अपने जैसी बहनों को और भाइयों को क्या मैसेज देना चाहोगे कि वो किस तरह से विवाह करे और किस तरह से हमारी भारतीय संस्कृति को वो आगे ले जाए? मैं सभी माताओं और बहनों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो इतना मजबूत ज्ञान है, अपने माता पिता पर बोझ ना बने। जैसे कि आजकल लड़कियों को पेट में ही मार दिया जाता है, अबॉर्शन करवा दिया जाता है, ये एक बहुत ही गंदी चीज़ है जो हमारे समाज में फैली हुई है। सरकार इसमें बैन लगाने की कोशिश तो कर रही है, बट वो नहीं कर पा रही। लेकिन अगर आप एक बार संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुन लेंगे तो दहेज जड़ से खत्म हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। तो मेरी हाथ जोड़कर आपसे एक बार प्रार्थना है, आप हमारे गुरु जी का एक बार सत्संग ज़रूर सुने, और एक ये बहुत ही प्यारी बुक है, प्लीज़ मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, एक बार ये बुक ज़रूर पढ़ें।